जैसे मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि V5 या V7 पेन में इंक कैसे भरते हैं। इसके लिए भरने का तरीका यह है कि आपके पास में एक खाली पेन होना चाहिए, जैसे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल खाली है। उसके बाद आपके पास में एक हाईटेक पॉइंट का इंक होना चाहिए, जो मार्केट में मुश्किल से 10 रुपये में मिल जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं, क्या करते हैं कि इसमें के लिए एक हम सीजर लेते हैं। आप सीजर लिए, सीजर में देखेंगे कि जो खांचे इसका बने हैं, सबसे नीचे वाले जो भाग है उसमें इस प्रकार से फंसा देते हैं। और लगाने के बाद में क्या करेंगे, इसको देख रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। थोड़ी सी जोर लगाना पड़ेगा, आप देखेंगे कि धीरे से लगाने से ये निकल गया है। उसके बाद टाइट यहाँ से इस प्रकार से पकड़े और धीरे धीरे इसको घुमाइए। देख रहे हैं कि घूम रहा है और ये आपका यहाँ निकल गया इंक। ये निकलने के बाद में इसको आप कहीं भी रख दीजिए, तो साफ ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों ने बोला था कि क्या करें इसको, तो इसको देखें कि यहाँ पर लगा हुआ है इंक, ये कोई ख़राब इंक नहीं है, इसलिए इसको साफ ना करें, इसको यहाँ पर रख दीजिए। उसके रखने के बाद आप चाहें तो इसको भी आप यहाँ रख दीजिए। उसके बाद आपके पास में V5 या V7 में भरने के लिए खाली एक इंक आता है। अब देखिए, हमने एक इंक ले लिया है, इस इंक को खोल लीजिए। आप खोल लीजिए और देखिए कि ये बिल्कुल नई है, न्यू है। तो इसको क्या है कि ये होल इसमें रहता है। यहाँ पर होल बनाने के लिए कोई भी, या तो आप निडिल लीजिए, हॉलपिन ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। इसको आप यहाँ पर होल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहते हैं कि ये वेस्टेज ना हो, तो इसको आप यहाँ से खोल भी सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये देखिए, आप इस प्रकार से चाहेंगे कि मैं निकाल लूँ इसको, तो इस प्रकार से थोड़ी सी ऊपर करेंगे, ये निकल गया। इससे फायदा ये है कि आप ऐसे करेंगे तो हाथ में तो लगेगा, लेकिन अगर इंक भरने के बाद में दोबारा इसको बंद करेंगे तो इससे बाहर नहीं निकलेगा, इंक बाहर नहीं निकलेगा, और आपका इंक ज़्यादा दिन तक रह सकता है। अगर यहाँ पर होल कर देंगे आप और इससे ढक्कन से बंद कर देंगे, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, या टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो इससे इंक बाहर भी गिर सकता है। तो ये इसका जो है ये डिमेरिट है। इसलिए मेरा तो सजेशन आप लोग यही है कि यहाँ पर इसको लीड को इस प्रकार से निकाल लिया जाए। निकाल के आप चाहें तो एक साइड में रख दीजिए। उसके बाद आप ये पेन को लीजिए और इसके ऊपर से आप भर दीजिए। इसमें देखिए, आप देख रहे हो कि मैं इंक डाल रहा हूँ, और इस प्रकार से आप भी इंक डाल सकते हैं। देखेंगे कि मेरा इंक जो है यहाँ तक भर गया। अभी और भरना है, तो इसमें अपने आवश्यकता अनुसार इसमें भर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इंक जो है मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, और इंक मेरे काम भर हो गया है। तो आप चाहें तो इसको फिर दोबारा इसको लीड लगाकर आगे भरना होगा, तो इसमें इसको ढक्कन को बंद कर दीजिए, बंद करके रख दीजिए, और फिर दोबारा आप जो इसका ढक्कन लिए इसमें आप यहाँ पर प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद में इसमें और प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद में इसमें एक आवाज़ आया, टक की आवाज़ आया, तो आप समझ लिए कि ये बिल्कुल बैठ गया है। और हम इसको अब चला के देखें, यहाँ पर देखेंगे कि हमने रिफिल, ये देखेंगे यहाँ पर कि हमने इसके अंदर में आपको दिखाया गया रिफिल भर गया है। एक कपड़ा लीजिए, अगर कपड़े से अगर इंक लगा है तो इंक को आप पोंछ दीजिए। थोड़ी सी डिमेरिट यही है कि उस तरह से करने से हाथ में इंक लग जाता है। अगर इंक हाथ में नहीं लगना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं बताया था कि इसका इंक एक बार यूज करना है और एक बार ही फेंकना चाहते हैं, तो अल्पिन से यहाँ पर जैसे है इस प्रकार से कर सकते थे,
और डाल सकते हैं। दोनों तरीका ही आपके पास में अवेलेबल है, कौन सी तरीका आप सबसे अच्छा महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि इसमें भर गया है और एक बार इसे चला कर देखते हैं। देखिए देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया तो आप बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही लिख रहा है। इस प्रकार से आप कोशिश करेंगे तो घर पर ही V5 और V7 रिफिल आसानी से आप भर सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और एक भाई का डिमांड था कि भरते कैसे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।